सहभागिता है। और मैं समझता हूँ केवल सरकारी सहभागिता से कभी कोई काम पूरा नहीं हो सकता। जब जनता उसे अपना काम समझ लेती है तो वो काम फिर पूरा होता है। उसमें इस अभियान को हमारी कोशिश है कि जन जन इसको अपना अभियान समझे, अपना काम समझे, क्योंकि स्वच्छता बगैर हर घर में अपना है, घर परिवार में भी व्यक्ति व्यक्ति इसको नहीं अपनाता है तो घर हमारा साफ सुथरा नहीं रह सकता। अगर हमारा घर साफ सुथरा नहीं रह सकता तो हमारा देश कैसे साफ सुथरा रह सकता है। इसलिए जन सहभागिता ये बहुत जरूरी है, जन जागरूकता बहुत जरूरी है। सर भाई दूंगा नगर निगम देहरादून और देहरादून के तमाम जागरूक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान किया, देहरादून ने उसमें सबसे पहले लीड ली है। मैं कह सकता हूँ कि देश का लीडर बना है देहरादून। और निश्चित रूप से जब 1,00,000 से ज्यादा लोग आज के इस सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जो मानव श्रृंखला बनाई है, तारीफ में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब उत्तराखंड जान चुका है। इसका मतलब देश जगेगा। जो लोग अभी भी नहीं जगेंगे और अब वो भी जग जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूँ, मैं दिलेराम चौक से और देहरादून आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिस तरह इस विशाल मानव श्रृंखला के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए सभी दून वासियों का तहे दिल से शुक्रिया। साथियों, अब से ठीक थोड़ी देर के पश्चात यानी ठीक 10 बजे जो आह्वान आपने देश का किया है, देश देने का काम देहरादून वासी करेंगे, इसके लिए मैं इतने अपने यहाँ इस कार्यक्रम में भागीदार हो रहे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्रृंखला का कार्यक्रम नगर निगम ने आयोजित किया था और जिसको हमने एक लिटमस टेस्ट के रूप में रखा था कि हमारे 2 महीने के प्रयास का क्या परिणाम आता है। और जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत किए हैं और जो हमारे पास अभी तक की फिगर आई है वो करीब 1,03,700 कुछ की संख्या है, ये संख्या बढ़ेगी निश्चित रूप से, तो ये सिद्ध करता है कि हमारे प्रयास को लोगों ने तहे दिल से स्वीकार किया है। इस अभियान से वो हृदय से जुड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देहरादून पॉलीथीन फ्री बहुत जल्दी होगी। अब हम अपने अभियान के अगले चरण में थोड़ा सख्ती की कार्रवाई भी करेंगे क्योंकि हमने लोगों को इसके लिए पर्याप्त समय दे दिया है।